हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पी के वी एजुकेशन में। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी स्टूडेंट एचए यू की प्रिपरेशन कर रहा है 4 ईयर प्रोग्राम के लिए, उन सभी का कल एग्जाम होने जा रहा है। कल आप सभी का एग्जाम है, कल आपका 16 जुलाई को एग्जाम होने जा रहा है। आई होप आप सभी की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी होगी। लास्ट टाइम पे मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, आप उनको ध्यान से सुनिएगा। क्या कुछ आपको एग्जाम के अंदर प्रोसीजर फॉलो करना है, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो आपका एग्जाम है वो संडे को रहेगा, कल रहेगा। एग्जाम की टाइमिंग बात कर लेते हैं, टाइमिंग क्या रहेगी आपकी एग्जाम की। तो आपका टाइम है एग्जाम का, वो रहेगा बच्चों 10 बजे। आपका क्या होगा, 10 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और 1:30 बजे तक, यानी 1:30 तक क्या है आपका एग्जाम चलेगा, ठीक है। और अगर मैं रिपोर्टिंग टाइम की बात करूं बच्चों, तो आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका 9 AM, यानी 9 बजे से आपकी जो एंट्री है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको क्या है, 9 बजे तक क्या है अपने सेंटर पे पहुंचना है। जो भी स्टूडेंट दूर से आ रहे हैं तो वो क्या है, इस बात का ध्यान रखिए कि आपको क्या है सेंटर पे जल्दी पहुंचना है, टाइम पे पहुंच जाना है, बाद में आपको किसी भी प्रकार का इशू ना हो। तो आपको क्या है टाइम पे सेंटर पे पहुंचना है और 10 बजे आपका क्या होगा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और ये सभी चीजें आपने जो आपका एडमिट कार्ड है उसके ऊपर देख भी ली होगी, ठीक है। तो टाइम का आप खास ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप दूर से आ रहे हैं तो आप जल्दी आने की कोशिश करें, ठीक है। आप आधा घंटा पहले आ सकते हैं, ताकि आपको क्या है बाद में ऐसा ना हो कि आपको एग्जाम में बैठने ना दिया जाए, ठीक है। तो आपको क्या है टाइमिंग का स्पेशली ध्यान रखना है। और एग्जाम के अंदर जैसी भी आपकी प्रिपरेशन है, ठीक है, आपने पिछले 1 से 2 महीने 3 महीने जितने भी अपने प्रिपरेशन पे दिए हैं, उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपने बहुत बढ़िया मेहनत की है तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा, बहुत अच्छा आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या है बच्चों, आपका एग्जाम है, आपको सेंटर पता चल गया होगा जो भी सेंटर है, तो आप क्या है पहले ही क्या है उसको गूगल पे सर्च करके, गूगल मैप के थ्रू आपको पता कर लीजिएगा आपका एग्जाम बस स्टैंड से या रेलवे स्टेशन से कितनी दूर है। जिस भी ट्रांसपोर्ट मीडियम से आप आ रहे हैं, चाहे वो बस के थ्रू आ रहे हैं, पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं, या फिर क्या है ट्रेन के थ्रू आ रहे हैं, तो आप क्या है गूगल मैप से अपना जो सेंटर है वो चेक कर लीजिएगा कितनी दूर है, ताकि आपको क्या है जो मेन टाइम है यानी एंड टाइम पे आपको क्या हो कोई भी किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। और इसके अलावा क्या है एग्जाम की बात करूं तो आपको क्या है एक आईडी लेके जानी है, आपको एक क्या है आपकी आईडी लेके जानी है, जो आधार कार्ड हो सकता है या आप क्या क्या वोटर कार्ड तो आपका नहीं होगा, ठीक है। तो आधार कार्ड आपको जरूर लेके जाना है। इसके अलावा आपको क्या है कुछ भी ऑर्नामेंटल वॉच मोबाइल फोन आपका बिल्कुल अलाउड नहीं होगा अंदर। तो आप अगर आप अकेले जा रहे हैं तो फोन आपको बाहर ही सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फोन का ध्यान रखिएगा, अंदर आपको क्या है अलाउ नहीं किया जाएगा। और आपके पास कोई भी गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा क्या है आपको यहाँ पे दिया गया है कि आप एग्जाम से आधे घंटे पहले ही पहुंच जाएं, ताकि आपके लिए क्या है कोई भी दिक्कत ना हो। और इस टाइम में इसमें से क्या है आपको आधा घंटा आपका फॉर्मेलिटीज पूरी करवाई जाएगी, कोई अगर आपका नेम वगैरह अटेंडेंस वगैरह वो सब कुछ प्रोसीजर आपको वहां पे बता दिया जाएगा। बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है एग्जाम के टाइम पे, तो वहां पे जो भी इन्वेजिलेटर होगा आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको पूरी अच्छी तरीके से क्या है गाइड करेंगे। और पेपर को ध्यान से करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जैसी भी प्रिपरेशन है आपकी। अब लास्ट टाइम पे क्या है आपको बिल्कुल भी ये नहीं है मैं ये पढ़े जा रहा हूँ, ठीक है। जो आपने पढ़ा है पिछले महीने में, पिछले 1-2 महीने में, वही क्या है अब आपको काम आएगा और कल आपका डेफिनेटली एग्जाम हो जाएगा। आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छा हो, ठीक है। आप सभी का जिसने भी बहुत अच्छे से मेहनत की है उसका डेफिनेटली एग्जाम अच्छा हो जाएगा कल। और इसके अलावा क्या है आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का एग्जाम है वो बहुत ही अच्छा हो, ये हमारी पी के बी एजुकेशन की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और जैसा ही आपको रिव्यू है, जैसे ही आपका एग्जाम हो जाता है, तो आप क्या है चैनल पे रिव्यू छूट दें इस वीडियो के नीचे कि आपका एग्जाम कैसा हुआ है कल। हालांकि मैं वीडियो और बना दूंगा, आंसर की पे भी हम वीडियो ट्राई करेंगे अपलोड करने की कि क्या आपकी आंसर की रहेगी, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। और इसके अलावा किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका कॉमेंट का जरूर रिप्लाई किया जाएगा। और अगर आपने पी के वी एजुकेशन से कुछ भी आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प मिला है, चाहे वो नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग हो, मटेरियल से रिगार्डिंग हो, कुछ भी अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगेन
विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।